अगर आपने प्रभास की कल की 2898 एडी मूवी देख ली है तो आपके मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी पार्ट टू मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, या फिर जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है ना, आखिर उसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाए इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है, जो कि हो सकता है कि इसके सेकंड पार्ट में इसी स्टोरी को दिखाया जाए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊं, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉइलर होने वाले हैं, जिस वजह से अगर आपने कल की मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखो ही मत, क्योंकि इस वीडियो में कल की मूवी में क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस होगा। इसीलिए बाद में अगर कमेंट में ये मत कहना कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दिया था और मैंने आपकी पूरी मूवी को स्पॉइल कर दिया। तो चलो आप थ्योरी बताते हैं कि आखिर थ्योरी है क्या। तो अगर आपने मेरी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने एंड में ऐसा कहा था कि मूवी में जो आस्किन को दिखाया गया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन का दूसरा जन्म है। क्योंकि जब अपने प्रभास से कैरेक्टर कर्ण का दूसरा जन्म हो सकता है तो फिर दुर्योधन का क्यों नहीं हो सकता दूसरा जन्म। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो दुर्योधन था ना, वो कली का ही अवतार था, इसीलिए उसके अंदर इतनी ज्यादा बुराई भरी हुई थी। अब क्योंकि इस मूवी का जो डायरेक्टर है नाग अश्विन, उन्होंने कल की मूवी के प्रीलिड वाले वीडियो में ऐसा कहा था कि वो लोग महाभारत का सीक्वल बना रहे हैं, जिसमें महाभारत के बाद क्या हुआ उसकी स्टोरी को दिखाया जाएगा। अब ये उनका काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर रिलीजन के चीजों में थोड़ा सा भी चेंजेस होना तो वो किसी के भी सेंटीमेंट को हर्ट कर सकती है, जिस वजह से नाग अश्विन ने यहाँ पे महाभारत की स्टोरी को नहीं दिखाया है बल्कि महाभारत के बाद क्या होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हो सकता है उसकी स्टोरी को इस मूवी में दिखाया है। और वो जो एक कल्कि का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं ना, उसकी स्टोरी यही होगी कि जिसमें महाभारत के जितने भी लेजेंड्स हैं ना, उन सभी को वापस से लाया जाएगा, जिसके बाद वो महाभारत का सीक्वल स्टोरी को दिखाएंगे। अब हाँ, मूवी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन को भी दिखाया गया है, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है विजय देवाकोंडा ने, तो ऐसा हो सकता है कि जो इसकी पार्ट टू की स्टोरी होगी ना, उसमें अर्जुन भी होगा। क्योंकि देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें अर्जुन का धनुष को दिखाया गया है जो कि है गांडीव, तो इसीलिए अर्जुन को भी दिखाया जाएगा आगे के मूवी में। अब अगर अर्जुन को इस मूवी में दिखाया जाता है तो फिर पांच पांडव को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो मूवी होने वाली है, इसमें महाभारत के उन सभी योद्धाओं को दिखाया जाएगा जो कि थे तो अच्छे लेकिन वो बुराई का साथ दे रहे थे उस समय पर, तो इसीलिए वो अपने पाप को सुधारने के लिए वापस से जन्म लेंगे। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कर्ण का कैरेक्टर था ना, वो अच्छा था लेकिन वो बुराई का साथ दे रहा था, क्योंकि वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था। वहीं पे जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है ना, अश्वत्थामा, वो भी दुर्योधन को दोस्त ही मानता था। अब देखो, इन दोनों ही कैरेक्टर को मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि ये अच्छे बन गए हैं और ये लोग चाहते हैं कि कल्कि भगवान इस दुनिया में जन्म ले, जो कि ये बताती है कि ये लोग इस बार बुराई का नहीं बल्कि अच्छाई का साथ देने वाले हैं और कल्कि भगवान के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे। तो हो सकता है कि मूवी में जितने भी महाभारत के कैरेक्टर्स थे ना, उन सभी का वापस से जन्म होगा, जिसमें गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसके बाद ये मूवी रियल में कहलाएगी महाभारत का सीक्वल, और इससे किसी का सेंटीमेंट भी हट नहीं होगा, क्योंकि इसमें महाभारत की स्टोरी से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है बल्कि दूसरे जन्म की कहानी को दिखाया जा रहा है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक इन सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जाए। और रही बात यह कि प्रभास को ये बात क्यों नहीं मालूम है कि वो अगले जन्म में करण था, तो देखो, ऐसा हो सकता है इसके पार्ट टू के मूवी में कि जो अपने अश्वत्थामा का कैरेक्टर है ना, वही करण को ये सारी बातें याद दिलाएगा कि वो पिछले जन्म में क्या था और उसने क्या बड़ी गलती की थी और अभी उसको क्या करना है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है ना, वही सातों चिरंजीवियों को ढूंढेगा और उनको बताएगा कि उनको अधर्म के खिलाफ लड़ना है और कली का वध करने में भगवान कल्कि का मदद करना है। अब यहाँ पर जो कमला सेन का कैरेक्टर है यास्किन, शायद वो इस बात को जानता है कि वो पिछले जन्म में दुर्योधन था और वो इस बात को भी जानता है कि कल्कि भगवान जन्म लेने वाले हैं, जिस वजह से कल्कि भगवान उसको ना मार दे, इसीलिए वो उनको रोकने की कोशिश करेगा कि वो इस दुनिया में जन्म ही ना ले। अब इस बात का जो कन्फर्मेशन है ना, वो एक और चीज की वजह से हो जाता है, और वो रीजन ये है कि लास्ट में हमने देखा था कि जो अपना यास्किन था ना, वो अर्जुन के गांडीव धनुष को उठा लिया है और उसको उठाने के बाद वो जो धनुष है ना, वो भी एक्टिव हो गया है। अब जैसा कि मूवी में ही बताया गया है कि उसको कोई नॉर्मल इंसान छू नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि जो यास्किन है वो दुर्योधन ही है और उसने भी गुरुद्रोण से शिक्षा ली थी, जिस वजह से वो उसको उठा पा रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसके शरीर के अंदर भगवान का खून मिला हुआ है, वो एक बूंद सैंपल था ना जिसके मिलने के बाद उसको पावर मिल गया था, तो हाँ, वो इसी सैंपल के शक्ति की वजह से उसको उठाने में कामयाब रहा। बाकी ये बात भी देखने वाली होगी कि आखिर इस मूवी में कृष्ण भगवान का कैरेक्टर कौन प्ले करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि इस मूवी में कल्कि भगवान का कैरेक्टर कौन प्ले करते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी कृष्ण जी का कैरेक्टर प्ले किया है ना मूवी में, वो इसके सेकंड पार्ट में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो उनके चेहरा को दिखाया जाता और उनके आवाज को भी बदला नहीं जाता। लेकिन मूवी में ये दोनों ही चीजें किया गया है ताकि बाद में जब इस मूवी का सेकंड पार्ट बने ना, तो उसमें कोई बड़े एक्टर को कास्ट किया जाए। तो देखते हैं कि आखिर जो कल्कि भगवान का कैरेक्टर है ना, वो कौन प्ले करता है। बाकी आप बताओ कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी और क्या लगता है कि मेरी थ्योरी सही हो सकती है या फिर गलत। बाकी अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर वो थ्योरी अच्छी रही तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।